आज हमें मान लीजिए एक प्रकार का कार्यक्रम हुआ जो हमने निभा दिया, ये मत सोचिएगा कि 10 तारीख को अगर विदाई होगा तो आप कभी हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछने आए या फिर मोबाइल पे कोई क्वेश्चन पूछे तो हम बताएंगे नहीं। आपके लिए ये कोचिंग सत्रह जिस दिन तक तुम लोग का एग्जाम उस दिन तक खुला हुआ है, आप उतना दिन तक दिन में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जब मन करे दोनों टाइम 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप लोग कभी भी कोई क्वेश्चन लेकर आकर हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये मत सोचिएगा कि 10 तारीख का विदाई होगा तो अगर कोई क्वेश्चन फंस गया तो शाम के समय पास जाएंगे या किसी टीचर के पास जाएंगे तो नहीं बताएंगे। आप लोग निफिक्र रहिएगा, घर पर बस जाकर मेहनत कीजिए। जो स्टूडेंट बार बार ये बात बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं हो सकता। जो किसी और के भरोसे बैठा हुआ हो केवल और के भरोसे ही रहेगा, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, हमेशा जिंदगी भर किसी और के भरोसे ही वो रहेगा। और जो खुद के संघर्ष पर अपना मंजिल हासिल करेगा वो हमेशा खुद से कोई काम करेगा। तो बाकी आप लोग समझदार है और ये मत जितना लगाव हमको इस कोचिंग के टीचर लोग से है उतना लगाव हमको आप लोगों से भी है। और आप तो अगर तकलीफ पड़े तो तकलीफ हमको भी हो रहा है जाने के समय, क्योंकि आप ही लोग थे जो मतलब इतना आदमी बोलता था टेंथ क्लास के बच्चा डांटते रहते थे बोलते रहते थे मालिका सब है। अफसोस हो रहा है, सब किसी को अफसोस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग जब भी मन करे आप कोचिंग आ सकते हैं, आपके लिए हमेशा कुछ खुला होगा, जब मन करे तब आ सकते हैं। लेकिन घर पर जाकर बालक ये नहीं कि खास कर लड़का लोग बोलेंगे ये नहीं कि घर पर गए उसके बाद पढ़ाई लिखाई भुलाए घूमना फिरना शुरू कर दिए। विदाई बस हुआ है, आपका एम है एग्जाम देना। एग्जाम 2019 में एग्जाम हुआ तो हाईएस्ट था 437, 2020 में एग्जाम हुआ 421 हाईएस्ट था। इस साल कोशिश करो कि इस साल हम 437 को भी पार कर जाए, इसी में से कोई एक स्टूडेंट पार करेगा। जो उतना मेहनत करेगा वही पार करेगा और जो मेहनत नहीं करेगा वो कहाँ से पार करेगा। तो जिसके मन में है कि हमको ये 437 को पार करना है, मेरा फोटो बैनर पर लगना चाहिए, मेरा फोटो हर एक गाँव गाँव में लगना चाहिए, तो यही एक मौका है, यही मौका है जिससे किसी स्टूडेंट का नाम होता है और यही जो मौका गवा देता है वो पढ़ते रहता है। इसे मान लो कोई स्टूडेंट अगर बिहार में टॉप कर गया या फिर जिला में टॉप कर गया तो सब जगह उसका नाम हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब जगह उसका नाम हो जाएगा, मीडिया तक उसके घर पर पहुंच जाएगी। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना मेहनत किया। हम लोग तो बस पढ़ाना है, हम लोग को राह दिखाना है आपको कि आपको इस राह पे चलना, लेकिन उस पे चलने का काम आप लोग का है। आप कितना तक उससे चल पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने एक साल तक कितना मेहनत किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने एक साल के अंदर बीच में लॉकडाउन होने के बावजूद भी तीन बार मैथ को खत्म किया है, पहला से अंत तक डेली प्रैक्टिस से डेली क्वेश्चन देते थे बनाने के प्रैक्टिस करवाए हैं। अब इसमें वही स्टूडेंट बना पाएगा जो मेहनत खुद से भी किया है, हम भी मेहनत किए वो भी मेहनत किया, जो साफ मेहनत नहीं किया वो अगर टीचर को दोष देगा तो उसकी गलती है, वो टीचर की गलती नहीं है। टीचर आपको पढ़ाएगा वो आपको पढ़ाने की जिम्मा लेता है, सिलेबस खत्म करने की जिम्मा लेता है, बाकी उसको कितना आप कंप्लीट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोशिश करें कि आज अभी कम से कम 10 दिन टाइम है आपको एग्जाम का, तो उतना दिन तक घर पर एक मिनट का रूटीन बना लो कि हमको इतना बजे ये काम करना है, इतना टाइम हमको मैथ पढ़ना है, इतना टाइम हमको हिंदी संस्कृत पढ़ना है, इतना टाइम हमको उर्दू पढ़ना है, इतना टाइम SST पढ़ना है, सब सब्जेक्ट का रूटीन बना लीजिए 10 दिन तक। और सब्जेक्ट आप लोगों का साइंस का है, साइंस फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस दिया हुआ है, उसके बाद मैथ दिया हुआ है, प्रैक्टिस करो घर पर जाके। ये नहीं कि एग्जाम हो गया विदाई हो गया कोचिंग में से, कोचिंग तो जा नहीं रहा है, 2 घंटा सुबह 3 घंटा समय लगता था, 3 घंटा शाम का समय लगता था, वो समय हम सो कर या फिर मोबाइल चला कर या घुमाई फिर करके टाइम बिता दे, वो समय घर पर बैठ के पढ़ाई करो। सोच लो कि हमको मेरा अभी कोचिंग से विदाई नहीं हुआ है, हमको ये जो 6 घंटा समय हम कोचिंग में देते थे 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, वो आप घर पर बैठ कर तो रिविजन कीजिए पढ़िए। और ये बात हमने आपको बोल दिया, अगर आप घर पर पढ़ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन दिक्कत होता है तो आप आकर हमसे पूछ सकते हैं, कोचिंग में कोई भी टीचर आप पूछिएगा कोई भी टीचर इनकार नहीं करेंगे, आपको जरूर बताएंगे जरूर समझाएंगे। तो बस बाकी आप लोग समय ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है और रोइएगा मत कोई भी, हंस कहीं से अगर जाया जाता है ना बालक कहीं से जाइए तो हंस के जाइए, ताकि कोचिंग के जो टीचर है उन लोगों को भी खुशी हो और आप लोग को भी खुशी हो। हंसते रहना हमेशा।